नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। जी इंडिया कॉन्क्लेव में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब बीजेपी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी एथिक्स की बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है। बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश ने यह भी कहा कि बाइपोल इलेक्शन में बीजेपी को पकौड़े ने हरा दिया। बीजेपी ये भी कह रही है कि ये अनएथिकल अलायंस था, दोनों पार्टियों ने आपस में सौदेबाजी कर ली और मिलकर हमें हरा दिया। आप मानते हैं ये अनएथिकल अलायंस था? क्योंकि ना तो आपने कुछ एजेंडा दिया लोगों को, ना मायावती जी ने दिया। एजेंडा ये था कि बीजेपी को हराना है, बस। लोगों को क्या मिलेगा, इसका जवाब आपके पास नहीं था। अगर बीजेपी एथिक्स की बात करेगी तो बड़ा अच्छी बात है। इन्होंने बीजेपी और इतनी अच्छी बात कर रही है, हमारे अलायंस को कह रही अनएथिकल, अनहोली अलायंस है। अरे हमने तो इससे भी ज्यादा खतरनाक बातें सुनी। यहां पर बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये सांप छिछूंदर का अलायंस है, ये चोर चोर मोसेरे भाइयों का अलायंस है। हम तो जानते हैं गांव गांव में रामायण होती है, कोई गांव भारत का नहीं है जहां पर रामायण के बारे में लोग नहीं जानते। बताओ रामायण के बारे में क्या क्या कहा इन्होंने, और वो हमें सिखाएंगे एथिक्स, जिन्होंने नकली राम, नकली लक्ष्मण, नकली सीता, नकली एक पुष्प विमान लेकर के अयोध्या में जनता को धोखा दिया। अरे जो नकली राम लाए हों, नकली सीता लाए हों, नकली लक्ष्मण लाए हों, उनसे हमें क्या सीखना है? और फिर ये क्यों भूल जाते हैं बीजेपी के लोग कि सीता की तस्वीरें व्हाट्सएप पे कैसी चली थी? तो ये एथिक्स हमें ना सिखाएं भाई, हमने तो उन्हीं से गणित सीखा है। जो जो उन्होंने काम की बात नहीं की, हमने काम की बात की। और मुझे तो अच्छी तरह याद है आपसे आखिरी बात तो बीजेपी की पकोड़े वाली हुई थी, ये पकोड़े ने हरा दिया उन्हें। और जो चाय पे चर्चा करते थे, हमने तो सच्चाई पे चर्चा कर दी, इसलिए बीजेपी हार गई। और अखिलेश ने जी इंडिया कॉन्क्लेव में यह भी कहा कि सपा और बसपा का गठबंधन आगे भी बना रहेगा, और वो यही चाहते हैं कि अब इस गठबंधन को कोई ना तोड़े। अखिलेश ने कहा कि मायावती को उन्होंने हमेशा बुआ की तरह सम्मान दिया है। ये जो जीत आपको हासिल हुई है, इसमें आपका खुद का कितना योगदान है, योगी जी का और मौर्य जी का कितना योगदान है, और मायावती का कितना योगदान है? मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री, उनका ज्यादा योगदान है। और मायावती जी का कितना योगदान मानते हैं आप? उन्होंने सहयोग दिया और उनका समर्थन मिला, उससे उत्साह और वोट में हमारे ज्यादा इजाफा हो गया। जी अखिलेश जी, अब चर्चा इस बात की है कि आप और मायावती जी दो बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और बीजेपी ने आप दोनों को भी एक साथ मिला दिया। या तो बीजेपी का डर इतना ज्यादा सता रहा था, या बाउंस बैक करने की आपकी भी इतनी इच्छा थी और उनकी भी प्रबल इच्छा थी। क्या अब यही टीम आगे भी खेलेगी, आगे के मैचेस में भी यही टीम हमें देखने को मिलेगी? कभी कभी दूसरे लोगों से भी सीखना चाहिए। हमने तो बीजेपी से ही सीखा। अगर देश में सबसे ज्यादा जातिवादी कोई बात कर रहा है तो बीजेपी ने की। अगर धर्म के आधार पे किसी ने राजनीति की तो बीजेपी ने की। तो हम जो कर रहे हैं यूपी में, नॉर्थ पोल साउथ पोल या हम और बसपा एक साथ हुए हैं, तो हम तो धन्यवाद देंगे बीजेपी का कि बीजेपी ने कम से कम हम लोगों को ये तो सिखा दिया। हम तो एक्सप्रेस वे लेके घूम रहे थे कि एक्सप्रेस वे से वोट मिलते हैं, लैपटॉप से वोट मिलते हैं, मेट्रो बनाने से वोट मिलते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो सिखाया, हम बीजेपी के रास्ते पर हैं। लेकिन मैं एक बीजेपी को बता दूं कि हम समाजवादी लोग कभी विकास का रास्ता भूलने वाले नहीं हैं। जी अखिलेश जी, अब मायावती जी के साथ जो आपका गठबंधन है, क्या अब ये बाकी के चुनावों में भी जारी रहेगा? नाउ इज इट अ टीम नाउ? देखिए मैं तो ये कहता हूं कि मैंने उन्हें हमेशा सम्मान दिया, मैंने उन्हें बुआ की तरह सम्मान दिया, तो अब तो ये एक अलायंस या एक तरीके से दोनों में संबंध अच्छे हो गए हैं, तो
तो भाई कोई संबंध बिगाड़े नहीं, हमारा यही निवेदन है। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह जाएंगे चर्च में कि भाई हमारे रिश्ते का ये खराब न कर दें कोई। जी तो आप चाहते हैं कि रिश्ते बने रहें और आप मिलकर आगे चुनाव लड़ें? अभी तक तो बीजेपी ने यही सिखाया है कि सभी दलों को मिलकर के सभी जातियों को उनकी गणित समझा करके अलायंस बना लो और जीत लो चुनाव, तो हम भी उन्हीं से सीखे हुए लोग हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए नोएडा का दौरा हमेशा ही अशुभ माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि नोएडा जो भी मुख्यमंत्री पहुंचा उसकी कुर्सी चली गई। जी मीडिया कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नोएडा दौरे से जुड़े हुए सवाल को पूछने पर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुनिए। जब आप मुख्यमंत्री थे तो पूरे 5 साल आप नोएडा नहीं आए, क्योंकि नोएडा आना अशुभ माना जाता है। योगी जी नोएडा आ गए और नोएडा आते ही ये चुनाव हार गए। तो आपको ऐसा लगता है कि नोएडा वाकई अशुभ है? नोएडा का भी एक योगदान हो सकता है उनकी इस हार में? मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी पूजा पाठ भी करना जानते हैं, नोएडा गए होंगे तो पूजा पाठ करके गए होंगे। कोई बात रही होगी, पूजा पाठ ठीक से नहीं किया होगा, उसी का असर है कि गोरखपुर हार गए आप। और मैं तो कहता हूं कि नोएडा मत जाना दोबारा। अगर आप नोएडा गए तो आपके दुश्मन और बढ़ जाएंगे। अच्छा, जब आप अगली बार मुख्यमंत्री मान लीजिए बन गए, इस बार आप आएंगे नोएडा या आप भी नहीं आएंगे? हालांकि नोएडा में हमने काम बहुत किया है, उस काम को देखने अभी चला जाऊंगा, फिर देखूंगा सरकार बना दीजिए तो मैं फिर चला जाऊंगा।